ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनादर न्यू वीडियो गाइस। तो हमारा फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो कि ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ओपन तो क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब ये आप ओपन करोगे तो फ्री फायर में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब एकदम से आपका फ्री फायर बदल जाने वाला है, एकदम से अलग सीन होने वाला है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है सभी दोस्तों के साथ आपको फैला देना इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चले कि आखिर क्या सीन होने वाला है फ्री फायर में। तो कर देना फ्री फायर में यहाँ पे वीडियो को लाइक। ओ फ्री फायर में वीडियो को लाइक कैसे करोगे, तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर कर दो अपनी सभी दोस्तों के साथ। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आज हमारा फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है और इसके लिए आप क्या करोगे सब कुछ बताने वाला हूँ, एंड इसी के साथ आपको काफी सारे चीज न्यू देखने को मिलेंगे। तो गाइस क्या करना है आपको, सभी के साथ वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्टिंग से, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर आप फ्री फायर ओपन कैसे होगा, ठीक है। तो गाइस चलो ए टू जेड सब भी आपके फ़ायदा के लिए वीडियो है, ठीक है, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ ही कलेक्ट हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से सब कुछ समझ जाने वाले हो। तो गाइस आज हमारा है यहाँ पे पेज अपडेट। तो गाइस आज अपडेट है, तो जब यहाँ पे फ्री फायर ओपन होगा देन आपको सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो ए टू जेड आप लोग को सारे अपडेट इस वीडियो में कवर कर देते हैं। सो गाइस जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा न्यू इंटरफेस, यानी जैसे आप फ्री फायर ओपन करो अभी दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिखेगा, जब पहले दिख रहा था ऐसा नहीं दिखेगा। जब आप फ्री फायर को एक बार अपडेट कर लोगे तो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले फ्री फायर आज हमारा ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस आज है हमारा अपडेट और यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी यहाँ पे आज दिन भर आप फ्री फायर नहीं खेल सकते, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कब आप खेल पाओगे। तो गाइस आप यहाँ पे 5 बजे के बाद, ठीक है, फ्री फायर ओपन कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपडेट करना होगा अपने फ्री फायर को 12 से 1 बजे के आसपास, यानी अभी से जब वीडियो आप देखोगे उसके 3-4 घंटा बाद ही प्ले स्टोर में अपडेट आ जाएगा, वहां पे आप सबसे पहले अपडेट कर लेना है। बट जो आपका फ्री फायर ओपन होगा वो 5 बजे होगा, ओके समझ रहे, 5 बजे आपका फ्री फायर ओपन होगा, एंड जब आपका 5 बजे फ्री फायर ओपन होगा देन सब कुछ बदल जाएगा, यानी एकदम से न्यू इंटरफेस, यानी हर चीज बिल्कुल नया होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो आप यहां पे अब भी दिन भर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको क्या करना है आराम से बैठ जाओ, जो भी यहां पे काम थे वो काम कर लो, या जो भी पढ़ाई वगैरह आप करते हो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आज आप फ्री फायर अभी नहीं खेल पाओगे अप्रोक्स यहां पे 7 से 8 घंटे के लिए, बाकी क्या आप यहाँ पे खेल सकते हो अप्रोक्स यहाँ पे 5 बजे के बाद अपडेट करने के बाद। जब आप अपडेट करोगे सबसे पहले इंटरफेस आएगा, न्यू लॉबी आपको देखने को मिलेगा, बहुत चीज़ यहाँ पे बदल जाएगा ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह में भी। चलो गाइस बताते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंजिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको अपडेट देने वाला वो मैं दे रहा हूँ, मतलब क्लेश स्क्वाड रैंक के रिलेटेड, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको आज अपडेट है, बट यहाँ पे कल यानी 8 तारीख को आपको न्यू क्लेश स्क्वायर रैंक मोड देखने को मिलेगा। जो क्लेश स्क्वायर रैंक है वो हमारा डाउन हो जाएगा, एकदम रीस्टार्ट फिर से हो जाएगा, एंड फिर से आपको रैंक करना होगा। बट जो रिवॉर्ड मिलेगा जो आप लोग को इस बार मिलेगा P90, तो हमेशा यहाँ पे गोल्ड 3 पहुँचने पर हमें ये चीज़ मिलता है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा रिवॉर्ड, तो वो मिलेगा P90। तो समझ लो कि कल यहाँ पे क्लेश स्क्वायर रैंक मोड का रैंक फिर से यानी रीस्टार्ट होगा, कल से फिर से रैंक पुश कर पाओगे, एंड कल आपका यहाँ पे रैंक डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको रैंक पुश करना होगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। सो गाइस जो नेक्स्ट यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा वह आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। ट्रेनिंग ग्राउंड में 3 चीज़ आपको दिया जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फायरवर्क, अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड के सोशल जोन में जाओगे तो वहाँ पे आप सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड खेलते हो तो ट्रेनिंग ग्राउंड के प्रत्येक 2 किल पे आपको एक टोकन दिए जाएंगे, जो कि सोशल जोन में जाकर एक यहाँ पे स्टोर टाइप एक डब्बा होगा, उसमें से आप यहाँ पे रॉकेट वगैरह ले सकते हो एंड वहाँ पे जला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रोल जैसा होगा, उस पर चलोगे तो म्यूजिक आएगा, एंड साथ में यहाँ पे आपको डे लाइट सिस्टम भी दिया जाएगा, यानी कि रात में खेलोगे तो रात जैसी फीलिंग आएगी, मतलब एकदम से भाई अंधेरा टाइप, आसमान एकदम से अंधेरा, तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है ट्रेनिंग ग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो न्यू वेक्टर गन आएगा गेम में, और वेक्टर गन को की एबिलिटी तो सीन
इसकी सीन अलग है, ठीक है। एबिलिटी तो स्किन पे होती है ना, तो इसकी सीन अलग है, मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है, ठीक है। ये जो हमारा वेक्टर गन है, इसको हम एक साथ दो, मतलब कि समझ रहे हो, एक ही बार में अगर दो वेक्टर गन है, मतलब एक साथ एक हाथ से एक वेक्टर, एक हाथ से एक वेक्टर, यानी दो वेक्टर एक साथ चला सकते हैं। और ये न्यू गन आपको अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा गेम में। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग होंगे बहुत बड़ा, जहाँ पे वेपन बैलेंस एडजस्टमेंट रिव्यू प्रीव्यू होगा। कैसे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे M4 M1 में बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, जिसका डैमेज बढ़ा दिया जाएगा, रेट ऑफ फायर भी बढ़ा दिया जाएगा, इफेक्टिव रेंज भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाएगा, उसका रिकॉइल घटा दिया जाएगा, और जब हम यहाँ पे मूव करते हैं देन उसका भी रिकॉइल घटा दिया जाएगा, यानी मूविंग मूव करके या फायर करते हैं उसका भी रिक्वायर। तो इससे यहाँ पे M4 M1 एक बेस्ट वेपन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह सीन होगा हमारे P90 में, जिसका डैमेज बढ़ा दिया जाएगा, रिक्वायर को घटा दिया जाएगा। तो ये भी एक तबाही वाला सीन होने वाला है और आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये अपडेट के बाद, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलने वाला है, वो देखने को मिलेगा क्रोनो इवेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रोनो इवेंट, और यहाँ पे अपडेट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन है एम्बेसडर, समझ रहे हो। जो यहाँ पे आप देखोगे, करेना वाले ने एक इवेंट रखा था, फाइनल चांस टू गेस हु इज। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूँ कि ये हो जाएगा एम्बेसडर, समझ रहे हो, यानी कि ये एम्बेसडर का देख सकते हो। तो ये आपको एम्बेसडर कौन है, तो फाइनली आपको अपडेट के बाद पता चल जाएगा, और ये आज ही पता चल जाने वाला, जब अपडेट कर लोगे देन उसके बाद एंड आपने सही आंसर दिया होगा तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसी रिगार्डिंग यहाँ पे क्रोनो इवेंट बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, यानी लॉन्ग टाइम कुछ टाइम तक चलेगा, और इसी में आपको न्यू करेक्टर एंड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आया है, उसमें आप लोग को मिलेगा न्यू गोल्ड रॉयल बंडल। तो न्यू गोल्ड रॉयल आने वाला, जिसकी एक मेल एंड फीमेल लॉन्च तो हुआ है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू वेपन रॉयल, और ये मिलेगा स्किन का, यानी आगे स्किन का भी मिलेगा न्यू वेपन रॉयल। उसके बाद आपको मिलेगा न्यू डायमंड रॉयल। तो काफी सारे चेंजिंग हो गए, बट डायमंड रॉयल वगैरह अपडेट के बाद नहीं, बल्कि अपडेट के एक दो दिन बाद आपको देखने को मिलता है। जितने भी डायमंड रॉयल, गोल्ड रॉयल, ये सब है, एक दो दिन का टाइम लेगा, बट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्चिस चेंज होगा क्रोनो टाइप, एंड बहुत सारे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अभी आपको आराम से जाकर जो भी आपका यहाँ पे बचे खुचे काम है कंप्लीट कर दो, बट वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद यहाँ पे 4-5 घंटा बाद प्ले स्टोर पे ही अपडेट आ जाएगा, या फिर अगर डायरेक्ट 5 बजे ओपन करते हो तब भी फ्री फायर आपको बोलेगा कि भैया पहले अपडेट ही कर लो। देन आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, जब आप अपडेट कर लोगे 5 बजे के बाद ओपन करोगे तो खेल पाओगे एंड बहुत सारे न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इस बात पर तो लाइक बनता है, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक लेट्स गुड बाय एंड टेक केयर।